बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फैमिली, होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ द रिएक्शन वीडियो। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर एक रिएक्शन चैनल है और वो किसी के क्रिएटर की वीडियोस पर ऐसा है कि कॉन्टीन्यूस रिएक्शन दे रहा है और सडनली उसे ऐसा लगता है कि इस क्रिएटर पर अगर कोई बात की गई है तो वो सही नहीं है और उस बात के लिए वो रिएक्शन चैनल अपनी वॉइस रेज करता है, तो यहाँ पर लोगों का एक माइंड सेटअप है, वो ये समझने लगते हैं कि शायद अब इस रिएक्शन चैनल ने जो है वो पार्टी बदल ली, या फिर ऐसा है कि रिएक्शन चैनल जो है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना है और बस उसका काम सिर्फ ये है कि एक ही यूट्यूबर जो है उसके कॉन्टेंट को उठाए और उस पर रिएक्शन दे। तो जिस तरह आप सबको पता है कि सितारा के ऊपर उस वक्त से यहाँ पर रिएक्शन चैनल्स कंटिन्यूस रिएक्शन देना शुरू हो गए जब से उनके हस्बैंड सेकंड मैरिज की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, और उस टाइम ये चीज़ हाइप पकड़ गई जब वो पहले ब्लर जो स्टिकर के साथ ब्राइड की पिक्चर्स थी सेकंड मैरिज वाली वो लेकर आई, और उसके बाद उन्होंने मैनुअल निकाहनामा दिया। उसके बाद कोशिशें की जाती रहीं ऑनलाइन निकाह नामा के लिए। तो इस तरह ये रिएक्शन चैनल्स जो हैं वो वीडियोस बनाते चले गए। और यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि इसलिए ये रिएक्शन वीडियोस ज़्यादा बनती आईं क्योंकि जो सितारा की वीडियोस हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे लूप होल्स रह जाते हैं जो कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि उन्हें निग्लेक्ट किया जाए या नज़रअंदाज किया जाए, क्योंकि जो स्टोरी लेकर आई सितारा हस्बैंड सेकंड मैरिज की वो एक ऐसा टॉपिक था कि जिस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, और शायद के जो बाहर के देखने वाले हैं और जो कि मोस्टली हमारे रिलीजन के नहीं, उन्हें ये सब इतना ऑकवर्ड नहीं लगता हो, लेकिन जो हम लोग हैं हमें ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ऑकवर्ड और बहुत अजीब लगी, इसलिए हमने इस पर रिएक्शन दिया। फिर हुआ ये कि ऑनलाइन निकाहनामा फाइनली जब लेकर आई सितारा की रिश्तेदार, तो उसके अंदर भी कुछ खामियां रह गईं और जिसे उन्होंने कहा कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो उसे ठीक करवा लेंगी। उसके बाद अचानक से एक ट्विस्ट आता है और फिर होता ये है कि जो हस्बैंड सेकंड मैरिज और ऑनलाइन निकाहनामा वाली कहानी थी वो एकदम से डाइवर्ट हो जाती है किसी और डायरेक्शन में, और सब उस डायरेक्शन पे चलने लगते हैं, उस इशू पे बात करने लगते हैं, और जो मेन इशू था वो कहीं पीछे रह जाता है। तो टिल डेट ऑनलाइन निकाहनामा जो है वो भी मिसिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे फ्लॉज हैं जो कि टिल डेट डिस्कस नहीं हुए। तो यहाँ आज जो मैं बात करूँगी वो मैं बात करूँगी जिस क्रिएटर की वीडियो पर, वो हैं जनाब वन एंड ओनली मोहम्मद नदीम। ये सितारा के भाई हैं और आप इन्हें सितारा के घर में देखते हैं कराची के अंदर, वो उनके घर में ही स्टे करते हैं और अभी वो गांव गए हुए हैं ये सारे। तो बहुत ही बाकमाल इंसान हैं, या तो ये हद से ज़्यादा सादा हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा समझदार। आप अगर जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ तो आपको इसके लिए वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड की रात में, उसके अंदर एक बात तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये तय है कि वाईटी पर बेतहाशा झूठ बोले गए हैं इस फैमिली की जानिब से वीडियोस के अंदर। और आपको ये बताऊं कि झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए इसे साबित करने के लिए कहीं से आपको प्रूफ्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं। आपको जो बात करनी है आप थोड़ी सी कोशिश करें तो इनकी वीडियोस के अंदर ही आपको बहुत सारे झूठ जो है वो सामने आ जाएंगे। और फिर कहूँगी कि जो आउटसाइडर्स हैं और जो इन्हें इनके सब्सक्राइबर हैं वो तमाम तर हमारे लिए रिस्पेक्टफुल हैं, उनके अपने ओपिनियन है, लेकिन जब हम इसे अपनी कंट्री अपने रूल्स के हिसाब से अपने रिलीजन के हिसाब से देखते हैं तो ये चीज़ें हमें बहुत ऑकवर्ड लगती हैं। तो
तो जनाब नदीम साहब की जो रात में वीडियो उन्होंने अपलोड की, उसमें वो अपनी खाला को लेकर गए, वो पंजाब में शहर में रहते हैं और वो गए खाला को लेकर गांव में जहां सितारा का घर है या सितारा का ससुराल है। तो जब नदीम भाई, जो नदीम साहब हैं सितारा के भाई हैं, वो खाला के साथ सितारा की ससुराल पहुंचे जहां सितारा ने स्टे किया हुआ है, तो वहां सहन में सितारा के ससुर साहब जो बुजुर्गवार हैं वो एक चारपाई पर लेटे नज़र आए, यानी जो नदीम साहब हैं उनकी वीडियो के अंदर हमने देखा। तो अब यहाँ नदीम साहब उनको क्या कह के मुखातिब करते हैं, वो कहते हैं कि ये नाना हैं और कहते हैं कि सितारा की जो अम्मी हैं ये उनके मामू हैं और साजिद भाई के अब्बू हैं। ठीक है, अब नदीम साहब ने यहाँ पर जो एक नया रिश्ता क्रिएट कर दिया और एक नई बात जो सामने लेकर आए वो ये लेकर आए कि जो सितारा की वालदा मोहतरमा हैं, तो जो साजिद साहब हैं वो उनके मामूजाद भाई हैं या कज़न हैं, और इस तरह जो सितारा हैं वो साजिद साहब की जो हैं वो इस तरह से रिश्तेदार हैं कि साजिद साहब उनके भी रिश्ते के जो हैं वो मामू हैं। तो यहाँ पर जो सितारा का एक रिश्ता है और नदीम साहब का जो एक रिश्ता है साजिद साहब के साथ, वो क्या है कि जो साजिद साहब हैं वो सितारा के और नदीम साहब के दोनों के रिश्ते के मामू हैं। ठीक है, तो ये जो रिश्ता है इतना पहले का रिश्ता है, यानी शादी से भी पहले ये रिश्ता है और इस रिश्ते को सितारा ने छुपाया। और जब वो अपनी हस्बैंड सेकंड मैरिज स्टोरी लेकर आई तो उनका ये कहना था कि उनके वालिद मोहतरम की तबीयत बहुत नासाज थी और इसलिए उन्होंने बहुत कम उम्री में जो सितारा हैं उनकी शादी कर दी थी साजिद साहब के साथ और वो उनके रिश्तेदार नहीं। जबकि आज जो नदीम साहब ने रात में वीडियो अपलोड की उसके अंदर जो नदीम साहब ने रिश्ते बताए उसके हिसाब से तो साजिद साहब, सितारा और नदीम साहब और जो दीगर ये आपस में बहन भाई हैं इन सब के रिश्ते के मामू हैं। तो ये तो एक बहुत क्लियर रिश्ता है, इस रिश्ते को सितारा ने क्यों छुपाया। तो देखें, जब आप लोग इस तरह के झूठ बोलेंगे और फिर आप लोग अपनी लाइफ को लेकर आएंगे पब्लिक और अपनी प्राइवेसी को जो है वो पब्लिक करेंगे, अपनी पूरी जो ज़िंदगी है उसे वाइटी के ऊपर लेकर आ जाएंगे और फिर आप ये कहेंगे कि लोग इस पर बात ना करें या लोग इस पर क्रिटिसाइज ना करें अगर आप कहीं गलत हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और हरगिज़ भी क्रिटिसिज्म का ये मतलब नहीं कि कोई आपसे या आपकी फैमिली मेंबर्स से खुदा ना खास्ता नफ़रत करता है या खुदा ना खास्ता आपकी तरक्की से किसी को कोई इशू है। जो चीज़ आपकी वीडियोस के अंदर गलत है और जिसे आप सच बोलकर, और एक झूठ है जिसे आप सच बोलकर दुनिया को दिखा रहे हैं, तो ये आपका फॉल्ट है। तो मैं आपसे ये कहूँगी, हमेशा से कहती आई हूँ कि आपके नसीब की कामयाबी, आपके नसीब की दौलत आपको मिल के रहनी है। अब रास्ते आपको चुनने हैं, आप जो भी रास्ता चुने, झूठ का चुने या सच का चुने, लेकिन बहर कैफ आप लोगों ने जो भी झूठ बोले हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग खुद ही एक्सपोज कर देते हैं। तो अब इस बारे में आप लोग क्या बोलेंगे, बाकी खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।